Hello friends, myself Vijay. Today we discuss the topic Ries representation theorem for bounded linear functional on C closed interval AB. This topic is related to functional analysis. Statement: let capital F be bounded linear functional on C closed interval AB, then there exists a function g in bounded variation closed interval ab such that capital F bracket small f is equal to होगा integration a से b f bracket t d bracket g bracket t, और all जो f हमारे वो belong कर रहे हैं c closed interval ab पे, and नॉर्म ऑफ एफ है वो इजकल टू होगा बी ब्रैकेट जी. ये बी ब्रैकेट जी क्या है हमारा, टोटल वेरिएशन ऑफ जी, यही हमें प्रूव करना है. आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं. इफ वी रिगार्ड सी क्लोज इंटरवल ए बी एज ए सब स्पेस ऑफ बी ब्रैकेट ए बी, दैट इज द स्पेस ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और देन बाय हान बनाक थ्योरम, जो हमने हान बनाक थ्योरम की थी वो क्या थी, द फंक्शनल एफ ऑन सी क्लोज इंटरवल ए बी कैन बी एक्सटेंडेड टू अनोदर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ नोट डिफाइंड ऑन होल स्पेस बी क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, वो क्या होगा, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ नोट के. यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन काई, या फिर इसी को बोलते हैं हम छाई. तो वो डिफाइन कैसे करेंगे, काई टी ब्रैकेट एक्स, ये जब जब हम इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या है हमारे पास ए बी है, तो ये जब हमारी वैल्यू ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टी है तब तो हमें ये वैल्यू देगा वन, और इफ यदि टी लेस देन इक्वल टू है एक्स लेस देन इक्वल टू है बी तब हमें ये जीरो वैल्यू देगा. विद जो एफ नोट है वो क्या है हमारे पास, एज एक्सटेंशन ऑफ एफ एफ वी डिफाइंड ए फंक्शन, हम यहाँ एक फंक्शन डिफाइंड करेंगे जी ब्रैकेट टी इजगल टू होगा एफ नोट ब्रैकेट काई टी एक्स. नेक्स्ट क्या है, जो हमने इंटरवल लिया था क्लोज इंटरवल लिया था ए से बी, हम उसमें से कोई पार्टिसिपेशन लेंगे, ये ले लिया ए इजगल टू है टी नोट लेस देन है टी वन लेस देन है टी एन इजगल टू है बी बी एनी पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन समीशन आई इजगल टू वन से एन मोड जी ब्रैकेट टी आई माइनस जी ब्रैकेट टी आई माइनस वन नॉर्म इजगल टू होगा समीशन आई इजगल टू वन से एन. क्या किया, इसी को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है जी ब्रैकेट टी आई माइनस जी ब्रैकेट टी आई माइनस वन से, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड. तो यहाँ पे ये एज इट इज लिख के इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस टर्म से, तुम्हारे पास ये आ गया. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो हमारी ये वाली टर्म है इसको हम अपसाइला नाम दे देंगे. यहाँ पे अपसाइला नाम दे दिया था उसकी जगह हम अपसाइला पुट कर देंगे अपसाइला आई, और जो बच गया हमारे पास वो टर्म यहाँ एच डी लिख दी. तो हमने अपसाइला किसका नाम दिया था, जी ब्रैकेट टी आई माइनस जी ब्रैकेट टी आई माइनस वन डिवाइड बाय जी ब्रैकेट टी आई माइनस जी ब्रैकेट टी आई माइनस वन, इसको हमने अपसाइला नाम दिया था. नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या है समीशन आई इज इक्वल टू वन से एन, और ये जी टी आई को हमने एफ नोट काई टी आई कैसे लिखा, ये हमने फंक्शन डिफाइंड किया जी टी इजिकल टू है एफ नोट ब्रैकेट काई टी ब्रैकेट एक्स. यहां से हमारे पास जब टी था तो यहां पे टी आ गया, अब हमने वहां पे जी टी आई पुट करना है तो टी की जगह जहां जहां टी है वहां टी आई पुट कर दिया, और इसी प्रकार जब हम टी आई माइनस वन करेंगे तो वहां टी आई माइनस वन पुट कर देंगे इसमें इस फंक्शन में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी. हमने यहाँ पे जी टी आई की वैल्यू पुट की, वो क्या गया एफ नोट ब्रैकेट एक्स टी आई, और इसी प्रकार इसकी पुट की इस फंक्शन डिफाइंड, जो हमने फंक्शन डिफाइंड किया था. ये पुट करने के बाद क्या किया, जो हमारा ये एफ नोट था दोनों में से कॉमन उठा के एफ नोट था वो कॉमन उठा के हमने बाहर रख लिया, तो एफ नोट ब्रैकेट समीशन आई इज इक्वल वन सेंस एप्सिलॉन आई ब्रैकेट क्या अंदर क्या बच गया टी आई माइनस वन. ये क्या गया, जब हम इसका नॉर्म लेंगे कंप्लीट इसका अलग अलग नॉर्म लेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म, यहाँ पे जो हमारा एफ नोट है वो क्या है लीनियर, तो इस पे नॉर्म लिया नॉर्म एफ नोट, इस पे कंप्लीट में नॉर्म ले लिया,
तो यहाँ से क्या जो है एफ नॉट क्या है हमारे पास बाउंडेड है, और हमने जो हान रिजल्ट पुट किया था यहाँ पे थ्योरम का, तो वो क्या था हमारे पास जो नॉर्म ऑफ कैपिटल एफ है इज इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ नॉट, और हमारे पास जो नॉर्म ऑफ एफ है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, और ये भी जब 1 की समथिंग कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारी लेस देन आ जाएगी इन्फिनिटी से। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा कि जी हमारा वो क्या है बाउंडेड वेरिएशन है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बी ब्रैकेट जी लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ कैपिटल एफ के, ये आ गया हमारे पास। अब ये तो प्रूव कर दिया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि नॉर्म ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एफ, तभी तो ये इक्वल हो गए। पहले तो ये हमने लेस देन दिखा दिया, अब इसको ग्रेटर देन दिखा देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। क्या करेंगे इसको ग्रेटर देन दिखाने के लिए अब क्या करेंगे नेक्स्ट डिफाइंड करेंगे जेड एन ब्रैकेट टी इजक्वल टू समीशन आई इजक्वल टू 1 से एन एफ ब्रैकेट टी आई ब्रैकेट काई टी आई एक्स माइनस काई टी आई माइनस 1 ब्रैकेट एक्स, वेहर जो जेड एन ब्रैकेट टी है वो कन्वर्ज करेगा स्ट्रॉन्गली टू एफ ब्रैकेट टी को, डेट इज नॉर्म ऑफ जेड माइनस एफ टेंस करेगा जीरो को, कब जब एज एन टेंस करवाएंगे हम इन्फिनिटी को, सिंस जो हमारे पास एफ नोट है वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, दैट मींस क्या होगा जो हम ये एफ नोट है वो क्या हमारा कंटिन्यूस है, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे कैपिटल एफ नोट ब्रैकेट जेड एन टेंस करेगा कैपिटल एफ नोट ब्रैकेट स्मॉल एफ। अब क्या करेंगे इस पे डेफिनेशन लगा देंगे एफ नोट ब्रैकेट एफ इज इक्वल टू है लिमिट एन टेंस करेगा इन्फिनिटी की तरफ एफ नॉट ब्रैकेट जेड एन, वेयर जो जब हम इस पे एफ नॉट इस पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करके फिर इसकी वैल्यू यहां पुट अप करेंगे, तो पहले हम एफ नॉट ब्रैकेट जेड एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करके यहां पे रखेंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कैपिटल एफ नॉट ब्रैकेट जेड एन। यहाँ पे क्या किया जो हमारा एफ कैपिटल एफ नोट था वो एच डी रख लिया, इसमें जेड एन की वैल्यू पुट अप करती जो हमने डिफाइंड की थी, जेड एन की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये जेड एन की वैल्यू डिफाइंड की है ये रख देंगे यहाँ पे। जब हम इसमें एफ नोट ब्रैकेट ये जेड एन की वैल्यू रख दी समीशन आई इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एफ ब्रैकेट टी आई ब्रैकेट काई टी आई ब्रैकेट एक्स माइनस काई टी आई माइनस ब्रैकेट एक्स, सिंस एफ नोट क्या था हमारे पास वो लीनियर था, तो कैपिटल एफ नोट ब्रैकेट जेड एन इज इक्वल टू हो जाएगा जो हमारे पास ये हमारा एफ नोट बाहर था वो हम अंदर ले जाएंगे, तो दोनों तरफ लग गया एफ नोट अंदर अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा जब हमने ये फंक्शन डिफाइंड किया था ये किसके इक्वल था जी टी आई के, और ये किसके इक्वल था जी ब्रैकेट टी आई माइनस 1 के, तो ये एफ नोट जेड एन की वैल्यू आ गई। अब उसमें पुट कर देंगे हम जो हमारे पास ही इस वाली टर्म में ये जेड एफ नॉट जेड एन की वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे एफ नॉट ब्रैकेट एफ इजिकल टू एल लिमिट एन टेंस करेगा इन्फिनिटी की तरफ, इस एफ नॉट जेड एन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये पुट अप कर दी हमने, और जो हमारा जो वाई डेफिनेशन ऑफ रेमान स्टिल्ज इंटीग्रल से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये इक्वल होगी एफ नॉट ब्रैकेट एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ ब्रैकेट टी डी ब्रैकेट जी ब्रैकेट टी के, और सिंस जो हमारी ये एफ नोट है वो किसकी एक्सटेंशन थी कैपिटल एफ की, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो एफ नोट होगा इजिकल टू होगा एफ के और ऑन सी ब्रैकेट क्लोज इंटरवल ए बी, और जो हमारा एफ है इसमें बिलोंग कर रहा है दिस इंटरवल में, तो यहां से क्या होगा एफ नोट ब्रैकेट एफ इजिकल टू होगा कैपिटल एफ ब्रैकेट स्मॉल एफ के। हम इसको क्या लिख सकते हैं कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ इजिकल टू होगा इंटीग्रेशन ए से बी एफ टी डी ब्रैकेट जी ब्रैकेट टी के। यहां से कुछ नहीं किया गया कि ये जो वाला हमारी टर्म है एफ नोट ब्रैकेट एफ है वो किसके इक्वल आ गया हमारे कैपिटल एफ ब्रैकेट स्मॉल एफ के, तो हम इसको इस रिजल्ट के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहां से ये किया गया ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे एंड जो साई है वो साई इज ए फंक्शन ऑन बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल, तो देन जब हम इंटीग्रेशन फाई ब्रैकेट टी डी ब्रैकेट साई ब्रैकेट टी वो लेस देन होगा मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग करेगा इस क्लोज इंटरवल से फाई ब्रैकेट टी और वेरिएशन ब्रैकेट साई, ये लेस देन इक्वल टू होगा किसके नॉर्म ऑफ फाई के और वेरिएशन ऑफ साई के।
जो कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ है वो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ और वेरिएशन ऑफ जी के। इस जो हमने ये रिजल्ट यूज करा है, अगर फाई कंटिन्यूस है इस पे तो साई फंक्शन होगा बाउंडेड वेरिएशन दिस क्लोज इंटरवल पे। तो हमने ये जो रिजल्ट इसके इक्वल आया है, हमने ये अपनी जो हमारा ये वो रिजल्ट आया था इस पे ये अप्लाई किया, तो ये आ गया कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ लेस देन है नॉर्म ऑफ एफ और वेरिएशन ऑफ जी। जब हम नॉर्म लेंगे, जो हमारा नॉर्म है नॉर्म ऑफ कैपिटल एफ वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या थी, सुप्रीमम होगा समीशन ये मोड कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ के, और जो हमारा नॉर्म ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल टू होगा वन से। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू है मोड कैपिटल एफ ब्रैकेट स्मॉल एफ, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये पुट कर दी नॉर्म ऑफ एफ वेरिएशन ऑफ जी और नॉर्म ऑफ एफ लेस देन है वन से। ये क्या है वेरिएशन ऑफ जी, हमने बाहर ले लिया तो ये अंदर बच गई, और यहां से हमें पता था ये नॉर्म ऑफ एफ है, ये नॉर्म ऑफ एफ है क्या हो जाएगा हमारे पास वन, और वन की मल्टीप्लाई ये इसकी वैल्यू क्या आ गई कंप्लीट वन, वन की मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएशन ऑफ जी से तो ये ही आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया नॉर्म ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल टू है वेरिएशन ऑफ जी। वाई वन और टू से हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ कैपिटल एफ इजिकल टू होगा वेरिएशन ऑफ जी के, यही हमने प्रूव करना। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।